ये आकाशवाणी बम्बई है। सादर प्रस्तुत है स्वर्गीय श्री पन्नालाल घोष की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप हमारा विशेष कार्यक्रम महाप्राण वंशीवादक। महाप्राण वंशीवादक श्री पन्नालाल घोष को दिवंगत हुए आज 9 वर्ष पूरे हुए, लेकिन एकाएक विश्वास नहीं होता कि उन्हें हमारे बीच से गए सचमुच इतना समय बीत गया है कि एक एक कर 9 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 20 अप्रैल सन 1960 के दिन हृदपिंड के गतिरोध से उनका शरीर भले ही निष्प्राण हुआ, किंतु क्या उस महाप्राण का श्वासोच्छ्वसित महाप्राण कृतित्व भी कभी निष्प्राण हो सकता है? अगणित गुणों से विभूषित वंशी वादन के धनी उस महाप्राण साधक के श्वासों की भी गिनती थी, किंतु उस महाप्राण साधक के समान कौन था जो गिनती के अपने श्वासों का ऐसा और इतना सुंदर उपयोग करता? श्वास को संगीत का रूप देना वंशी वादक ही जानता है, और आधुनिक भारत का संगीत जगत एक स्वर से मानता है कि महाप्राण दिवंगत पन्नालाल घोष अपने देश काल के वंशी वादकों में सर्वथा अप्रतिम और विलय। सन 1911 के दिन वर्तमान पूर्व पाकिस्तान स्थित बारिसाल में हुआ था। बारिसाल का प्राचीन नाम वारिशेण बतलाया जाता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञांतर्गत वारिशेण के आमंत्रित राजा धर्मराज भारत सम्राट के लिए उपायन लेकर गए थे। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है। कौन नहीं जानता कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पुरुष श्री कृष्ण को बनाया गया था, जो किशोर कालीन अपने त्रिभुवन विमोहन वंशी वादन के लिए सर्वदा वंदनीय हैं। प्राचीन वारिशेण और आधुनिक बारिसाल के एक होनहार बालक ने एक दिन किसी बैरागी को बांसुरी बजाते हुए सुना। वंशीनाद से विमोहित बालक बैरागी की ओर मुग्ध दृष्टि से देखने लगा। बैरागी ने पूछा, बजाओगे बांसुरी? लो,
इसमें फूंक मारो। उच्छ्वसित बालक ने बांसुरी को फूंका, मधुर नाद की एक शीतल लपट निकली। बालक चमत्कृत हुआ और बैरागी ने हंसकर आशीर्वाद दिया, तुम बड़े होकर बड़े वंशी वादक बनो। कौन जाने किसी अज्ञात वंशी वादक वैरागी के आशीर्वाद का परिणाम था, या मधुर लोक संगीत प्रचुर शस्य श्यामला पूर्व बंग भूमि का प्रसाद कि बालक पन्नालाल घोष कालांतर में बड़े होकर सचमुच एक दिन बहुत बड़े वंशी वादक बने। बड़े बनने की धुन बहुत से बालकों में होती है, लेकिन बड़े होकर वही बालक बड़े बनते हैं जिनकी धुन सच्ची होती है। और सहज प्रतिभा के अंकुर को भी पनपने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता रहती है। बालक पन्नालाल घोष के घर में संगीत के लिए अनुकूल वातावरण था। दादा ध्रुपद गायक और पिता सितार वादक थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत के उस वातावरण में चरवाहों मल्लाहों और बैरागियों की बांसुरी को भला कौन पूछता था। पन्नालाल घोष ने अपनी किशोरावस्था में अपने पिता श्री अक्षय कुमार घोष से सितार बजाना सीखा, लेकिन किशोर कृष्ण की वंशी ध्वनि तब भी किशोर पन्नालाल के मन के किसी अज्ञात कोने में जाने अनजाने निरंतर गूंजती रही। पन्ना बाबू के निकट संबंधी और बाल बंधु अनिल विश्वास से एक दिन मैंने पूछा, वंशी वादन की महत्वाकांक्षा पन्ना लाल जी के मन में कैसे और कब से बलवती हुई। अनिल विश्वास ने बतलाया, भाई नरेंद्र, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे अपने स्मृति पथ को पकड़कर बहुत दूर तक चला जाना पड़ेगा। यहां आप लोग दोनों बालक थे और पाठशाली में पढ़ते थे। एक समय मुझे याद आता है कि जब हम करीब 9-10 साल के थे दोनों, वो हमसे 1.5-2 साल के बड़े थे, मगर मुझे ऐसा याद आता है कि हम 9 साल के वो 11 साल के ऐसे थे। अपना देश वरिसाल यहाँ पे हम लोग दोनों पैदा हुए। वहाँ के नदी के ऊपर बांसों के झुरमुट पे छोटे बड़े बांसों में से जब हवा, उसमें एक अजीब किस्म का संगीत पैदा होता था, और वो संगीत सुन के हमेशा ये पन्ना कहा करता था, देख अनिल, क्या अद्भुत किस्म का संगीत इसमें पैदा हो रहा है, कैसे तरह तरह की आवाजें इसमें आ रही है, छोटी बड़ी और कितने मधुर। मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में बांसुरी बजाना और बांसुरी को लेके हिंदुस्तानी संगीत में आगे बढ़ने का लगन उसी वक्त से उनके मन में पैदा हुआ है। इससे बेहतर और कोई मुहूर्त, कोई खास समय मैं याद नहीं कर सकता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसी वक्त से उनके मन में ये बात जम गई थी कि बांसुरी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपनी किशोरावस्था पार करते न करते पन्नालाल घोष को वंश कुंज बहुला सुजला सुफला अपनी जन्मभूमि छोड़कर कलकत्ता आना पड़ा, शायद जीविकोपार्जन के लिए या कदाचित तत्कालीन अंग्रेजी राज के दमन चक्र से बचने के लिए। पूर्व बंगाल में यह आम बात थी कि व्यायामशील हट्टे कट्टे नौजवानों को
दमनकारी अंग्रेजी सरकार आतंकवादी समझकर आए दिन धरपकड़ का शिकार बनाए रहती थी। महाप्राण भावी वंशी वादक ने अपने कलकत्ता वास को संभव बनाने के लिए किसी संगीत कंपनी में नौकरी की, छापाखाने में भी काम किया, बॉक्सिंग सीखा और किसी स्कूल में बॉक्सिंग के शिक्षक भी बने। 22-23 के रहे होंगे कि एक दिन पन्नालाल घोष बैंथम वेट श्रेणी में बॉक्सिंग के चैंपियन घोषित हुए। अनिल विश्वास का कहना है, मुझे याद है भाई कि उस वक्त मॉरिस कॉनर करके एक बॉक्सर बाहर से आए थे YMCA के एरिना में। मैंने पन्ना बाबू को उनके साथ लड़ते हुए पॉइंट पे जीतते देखा। लेकिन कहां मुट्ठी बंद मुक्केबाज और कहां खुले हृदय और हाथ से बांसुरी बजाने वाला भावी महाप्राण वंशी वादक। बहुतों पर विजय पाने वाले मुक्केबाज पर आखिर वंशी वादक की विजय हुई। सन 1935 में पन्नालाल घोष ने कलकत्ता की अखिल भारतीय म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वंशी वादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उसी वर्ष वो न्यू थिएटर्स के वाद्य वृंद के सदस्य बने। वाद्य वृंद में बांसुरी बजाते रहना उनके लिए यथेष्ट न था, इसलिए उस्ताद खुशी मोहम्मद अत्रे से हारमोनियम पर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते रहे और अपने वंशी वादन को अधिक संगीत संपन्न करते रहे। सन 1938 में पन्नालाल घोष सराय केला राज के छाऊ नृत्य मंडल के संगीत निर्देशक बनकर यूरोप गए। आगामी वर्ष में विश्व युद्ध छिड़ने के बाद वो कलकत्ता लौट आए और संगीताचार्य श्री गिरिजाशंकर चक्रवर्ती से शास्त्रीय संगीत की उच्च शिक्षा लेने लगे। Woo!
सन 1940 में पन्नालाल घोष बंबई आ गए, जहां उन्होंने फिल्मों में संगीत निर्देशन का कार्य किया और यदा कदा चित्रपट संगीत के रिकॉर्डिंग में वंशी वादन भी किया। ऐसे ही एक महत्व के अवसर का स्मरण कर लता मंगेशकर ने विविध भारती में विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कहा था, अब मेरे सामने है फिल्म बसंत बहार का एक रिकॉर्ड और इसे देखते ही मुझे याद आ रहे हैं अपने देश के एक बहुत बड़े कलाकार बांसुरी वादक श्री पन्नालाल घोष। उन दिनों उनके कानों में तकलीफ थी, सुनाई बहुत कम देता था, डरते थे कहीं चूक न जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ बांसुरी बजाना स्वीकार किया। इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और ये गीत मेरे लिए उनकी एक यादगार बनकर रह गया है। शास्त्रीय संगीत के गुह्यतम मर्मों तक पहुंचने की अभिलाषा से उन्होंने सन 1947 में ऋषि तुल्य उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को अपना गुरु बनाया। पन्नालाल घोष की विद्या विनय से और उनकी वंशी परमोच्च शास्त्रीय संगीत से सुशोभित थी। शास्त्रीय संगीत के राजपथ पर बांसुरी की इस शोभा यात्रा के विषय में कर्नाटक शैली के बीनकार और विश्व संगीत के अध्येता व्याख्याता डॉक्टर नारायण मेनन का कहना है, इट वॉज पन्नालाल घोष हु रिहैबिलिटेटेड द फ्लूट ऑन द कॉन्सर्ट प्लेटफॉर्म इन द नॉर्थ इन रीसेंट ईयर्स, प्लेस्ड इट ऑन ए पेडेस्टल ऑफ इट्स ओन, गेव इट डिग्निटी, नोबिलिटी, डिस्टिंक्शन। ही यूज्ड ए लार्ज इंस्ट्रूमेंट, अ काइंड ऑफ bass flute, and in the vilambis in which he excelled, he achieved a smooth, creamy, almost husky tone, which was perhaps new to Indian music. It must have created some problems for him, the long reaches needed in the fingering, the fuller bass control needed to keep the unbroken note. But he had the requisite technique and the capacity for work that such exacting standards demand. लेकिन उत्तर भारत में तो यही प्रतीत होता है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वंशी की अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना पन्नालाल घोष के ही हाथों हुई। उन्होंने वंशी की संभावनाओं को प्रकट किया, वंशी को प्रतिष्ठित किया। निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि पन्नालाल घोष ने वंशी का उद्धार कर उसे उत्तर भारतीय संगीत सभाओं में स्थान दिलाया, सम्मानपूर्ण स्वतंत्र आसन पर बिठाया और गरिमा, महिमा और विशिष्टता से मंडित किया। वो बहुत बड़ी वंशी का उपयोग करते थे जिससे मंद्र स्वर निकलते थे। विलंबित गति से बजाना उनकी विशिष्टता थी। मसृण, गंभीर, स्निग्ध वंशीनाद की उनकी सृष्टि भारतीय संगीत में अनूठी थी। अपनी इस उपलब्धि की संभावना में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। बड़ी बांसुरी के छिद्र बहुत दूर दूर पर होते हैं, उन तक अंगुलियों की पहुंच सहज नहीं होती। स्वरधारा के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए श्वास पर अधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है, किंतु उन्हें अपने तंत्र का पूरा पूरा ज्ञान था। उच्च कोट की अपनी कला की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठिन अभ्यास की उनमें सामर्थ्य थी। I have heard many flautists the world over. The explosive flutes one hears in Japanese kabuki, the high-pitched ones in south of India, the beautifully constructed keyed flutes of the West, played with artistry and control. But I have no hesitation in saying that Pannalal Ghosh was one of the greatest anywhere by any standard. मैंने विश्व के अनेक वंशीवादकों का संगीत सुना है। जापान में काबुकी रीत परंपरा के अनुसार वंशीवादन में नाद स्फोट का सा अनुभव होता है। दक्षिण भारतीय संगीत में तार स्वरों में वंशी बजती है। पाश्चात्य संगीत के उपयोग की निश्चित स्वर पुष्पिकाओं के आधार पर सुनिर्मित वंशी का वादन भी कला और संयम का सुंदर प्रवाह पैदा करता है।
मैंने सब प्रकार का श्रेष्ठ वंशीवादन सुना है, लेकिन मैं असंदिग्ध रूप से कह सकता हूं कि पन्नालाल घोष का वंशीवादन किसी भी कसौटी के अनुसार और कहीं भी सर्वोत्कृष्ट ठहरेगा। सन 1956 में श्री पन्नालाल घोष आकाशवाणी के वाद्य वृंद के निर्देशक रूप में दिल्ली चले गए। लगभग 5 वर्ष वह दिल्ली में आकाशवाणी वाद्य वृंद के माध्यम से संगीत रचना और वंशी वादन की साधना करते रहे। आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक और प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर ने महाप्राण संगीत साधक और वंशी वादक पर अपने आलेख विराट स्वर का विधायक में श्री पन्नालाल घोष का पुण्य स्मरण करते हुए कहा है, 20 अप्रैल के सवेरे मेरे पास टेलीफोन आया कि पन्नालाल घोष सहसा हृदय गति रुक जाने के कारण चल बसे। काल देवता के घोर गर्जन ने बांसुरी के स्वर को मौन कर दिया और हम ठगे से रह गए। मृत्यु के समय पन्नालाल घोष की आयु 49 वर्ष से कम थी। उनकी कला चरमोत्कर्ष पर थी। पन्नालाल जी की बड़ी से बड़ी बांसुरी 42 इंच लंबी होती थी, जिससे वह मंद्र सप्तक के केवल 5 स्वर ही निकालते थे। मन में प्रश्न उठा कि 3.5 फुट की बांसुरी आखिर वो बनवाते किससे थे। उत्तर मिला, ऐसे लोग जो है ना वो अपनी बांसुरी हमेशा खुद बना लेते थे, क्योंकि उनको वो खास किस्म के बांसुरी में खास किस्म के छेद वो लोग चाहते थे। कितने छेद में कौन से स्वर कितने छेद करने में निकले वो स्वर निकल सकता है, ये सब टेक्निकल बातें उनके सामने आया करती थी। तो मैं तो ये जानता हूँ कि बांसुरी बजाने वाले हमारे सामने जितने हिंदुस्तान के मशहूर जितने बांसुरी बजाने वाले हैं कलाकार, वो सारे अपनी बांसुरियाँ खुद ही बना लेते हैं। और इसका टेक्निकल एस्पेक्ट जिसको कहते हैं वो क्या है, वो मेरे ख्याल से तुम देवेंद्र से पूछ लेना। प्रश्न का जवाब उनका शिष्य तुम्हें इस मुझसे बेहतर दे सकेंगे। खास खर्च के रागों के लिए उन्होंने एक बड़ी बांसुरी बनवाई जो लगभग 42 इंच लंबी थी और उसके सुराग के बीच का अंतर करीब 2.5 से 3.5 इंच तक होता था, जिसको वो अपनी उंगलियों से बहुत ही आसानी और नरमी से बजाते थे। हाँ, वो सबसे छोटी बांसुरी ये 42 भर का था। अच्छा, और दोनों में उसके ऊपर भाई जब उनके हाथ पड़ते थे तो बांसुरी नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ उनकी उंगली ही उंगलियां दिखाई देती थी। उनकी सामान्य बांसुरी में वो पूरा 3 सप्तक यानी मंद्र पंचम से अतितार पंचम तक बजाते थे। इस खर्च के बांसुरी को मिलाकर वो पूरे 3.5 सप्तक बजाते थे। महाप्राण वंशी वादक और विराट स्वर के विधायक श्री पन्नालाल घोष ने अपनी संगीत साधना के लिए स्वावलंबन से अपना स्वतंत्र पथ बनाया और अंत में आयु के केवल 48 वर्ष पूर्ण कर वो आरोही वंशीनाद के अपूर्व स्वरलोक में 20 अप्रैल सन 1960 के दिन सदा के लिए लीन हो गए।
अभी आपने स्वर्गीय श्री पन्नालाल घोष की स्मृति में हमारा विशेष कार्यक्रम महाप्राण वंशीवादक सुना। कार्यक्रम में व्यक्तिगत सहयोग और उद्धरणों के लिए हम डॉक्टर नारायण मेनन और श्री जगदीश चंद्र माथुर के आभारी हैं। विशेष जयमाला से संकलित अंश के लिए हम लता मंगेशकर के प्रति कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले आकाशवाणी के सहयोगी कलाकार हैं अनिल विश्वास, देवेंद्र मुर्डेश्वर, अमर चतुर्वेदी, शबी अब्बास, नरेंद्र शर्मा और रमा बावा। से पाता रहा है और जो भारतीय संगीत के वाद्यों में बांसुरी के साथ साथ स्वर्गीय पन्नालाल घोष का नाम सदैव अमर रहेगा। सदियों पुरानी भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को अनेक संशोधनों तथा गहरी खोज के बाद इस कलाकार ने एक नया रूप प्रदान किया जो आज हमारे सामने है, और यह भी सिद्ध कर दिया कि ये वाद्य केवल लोक धुनों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे गायकी का हर अंग बड़ी खूबी से अदा किया जा सकता है। इस महान कलाकार ने एक छोटे तथा लोक संगीत के साज को संगीत सम्मेलनों का सम्मान दिलाया। स्वर्गीय पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई सन 1911 में पूर्वी बंगाल के बारीसाल नामक स्थान में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका संगीत से घनिष्ठ संबंध था। उनके पिताजी सितार बजाते थे और पितामह ध्रुपद गाया करते थे। इस कारण पन्नालाल जी को जन्म से ही संगीतमय वातावरण मिला और बचपन से ही उनकी अभिरुचि इस कला की ओर बढ़ी। प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता से सितार सीखा और बाद में बांसुरी का अभ्यास करने लगे। थोड़े समय के अंदर ही वे बांसुरी पर सरल तथा लोक धुनों को बजाने के लिए प्रसिद्ध हो गए। इतना ही उनके लिए काफी न था, उनका ध्यान तो बड़े बड़े कार्यों में था और उसके लिए वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे। कलकत्ता जाकर उन्होंने सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक आरसी बोराल की देखरेख में न्यू थिएटर्स कंपनी में प्रवेश किया और साथ में खुर्शीद मोहम्मद अत्रे से संगीत सीखते भी रहे। उस समय कलकत्ते के स्वर्गीय गिरजाशंकर चक्रवर्ती संगीत जगत के माने हुए कलाकार थे जो ठुमरी गायन में अपना विशेष स्थान रखते थे। पन्नालाल घोष गिरजा बाबू के शिष्य बन गए और उनसे तालीम लेने लगे। सन 1936 में कलकत्ते के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पन्नालाल जी ने एक सफल बांसुरी वादक के रूप में भाग लिया और तभी से उनकी कीर्ति देश के कोने कोने में फैलने लगी। सन 1937 में संगीत निर्देशक के नाते उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया। सन 1941 में पन्नालाल जी बंबई पहुंचे और उन्होंने चित्रपट में संगीत निर्देशन का कार्य शुरू किया। क्षेत्र कोई नया न रहने के कारण थोड़े समय में ही
वे नामी ग्रामी हो गए और झूला, पुलिस, अनजान इत्यादि अनेक सफल चित्रों में उन्होंने संगीत दिया। सन 1947 में पन्ना बाबू महियर के उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शागिर्द बन गए। 1956 में उन्होंने फिल्म छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो में वाद्य वृंद के निर्देशक के नाते प्रवेश किया और इस पद पर वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक काम करते रहे। 20 अप्रैल सन 1960 को वे स्वर्गवासी हुए। पन्नालाल घोष के जीवन तथा उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि वे संगीत जगत के एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जिन्होंने हमें नया प्रकाश दिया। सतत प्रयत्न, अटूट स्नेह और गहरी खोज करके आधुनिक बड़ी बांसुरी को जीवन दान दिया। प्रारंभ में पन्नालाल जी छोटी बांसुरी बजाया करते थे, परंतु उससे वे संतुष्ट नहीं हो सके। उनकी ये धारणा थी कि यदि बांसुरी का स्तर हमें बढ़ाना है, उसे संगीत सम्मेलनों में घंटों बजाना है तथा उसमें गायकी के हर अंग का विकास करना है, तो छोटी सी बांसुरी का रूप बदलना होगा। उसकी आवाज में भारीपन तथा गंभीरता लाना बहुत ही जरूरी है। यही सोचकर उन्होंने अनेक प्रयत्न किए और अपने उद्देश्य की सफलता के लिए तब तक प्रयत्नशील रहे जब तक छोटी बांसुरी को उन्होंने आधुनिक रूप प्रदान नहीं कर दिया। होता है चाहे उसके पास नौकर हूं या ना, ये गुण पाते हैं गंभीरता, स्वर तनाव तथा स्वर माधुर्य में यह वाद्य मनमोहक तथा आकर्षक सिद्ध हुआ। स्वर्गीय पन्नालाल जी द्वारा प्रस्तुत एक रचना इस वाद्य पर जरा सुनिए। हिंदुस्तानी संगीत में कई राग ऐसे हैं जिनका विस्तार करते समय मंद्र सप्तक के उन स्वरों का भी विकास किया जाता है जो इस बांसुरी की पहुंच के बाहर हैं। ये बात पन्नालाल घोष के मन में बड़ी अखरती रही। वे तो बांसुरी को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते थे। प्रयत्न करके उन्होंने मंद्र सप्तक के स्वरों का विस्तार करने के लिए एक विशेष बांसुरी बनाई जिसमें अति मंद्र सप्तक के निषाद स्वर तक विस्तार किया जा सकता है। देखने में इस बांसुरी का आकार पहली बांसुरी से अधिक मोटा है और स्वर लगाव में उसकी गंभीरता तो सुनते ही बनती है। Thank you.
आधुनिक बांसुरी को प्रचार में लाने के साथ साथ स्वर्गीय पन्नालाल घोष ने उसकी वादन शैली के विकास में भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। विलंबित तथा द्रुत रचनाओं का विस्तार उन्होंने ख्याल गायन के आधार पर किया। बोल बाँट शुरू होने के पहले ध्रुपद गायन के संचारी और आभोग, इन विभाजनों का पालन भी उनकी वादन शैली में हमें मिलता है। विशेष स्वर प्रयोग जैसे मीण, खटका, मुरकी, गमक इत्यादि गायन की सभी विशेषताएं उन्होंने बांसुरी वादन को लोकप्रिय बनाने में प्रयोग में लाई। बांसुरी में वे 3.5 सप्तकों के स्वरों का विस्तार करते थे। लय तथा स्वर बढ़त के हिसाब से वे विलंबित रचना विलंबित ख्याल की तरह ही किया करते थे। Oh,
द्रुत रचना में तानों तथा लयकारी का प्रदर्शन वे द्रुत ख्याल की तरह करते थे। बांसुरी पर पन्नालाल घोष ठुमरी गायन शैली को उसके सही रूप में ही प्रस्तुत करते थे। ठुमरी में प्रयोग होने वाले ताल, बोल बनाओ, बोल बांट तथा अंत में लगी के साथ लयकारी का प्रदर्शन वे बड़े ही मनमोहक तथा सही ढंग से करते थे। बांसुरी पर उनकी बजाई एक ठुमरी सुनिए। Thank you.
सरल तथा लोक धुनों को पन्नालाल जी उनकी नैसर्गिक मधुरता के साथ ही बजाया करते थे। बंगाली लोक धुनें जैसे भटियाली, बाउल इत्यादि बजाने में वे बेजोड़ थे। उनकी बजाई एक भटियाली धुन प्रस्तुत है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक के साथ साथ स्वर्गीय पन्नालाल घोष एक माने हुए वाद्य वृंद रचयिता तथा सफल संगीत निर्देशक थे। शास्त्रीय संगीत, सरल संगीत तथा लोक धुनों पर आधारित उन्होंने अनेक वाद्य वृंद की रचनाएं की जो भविष्य में भी हमें प्रेरणा देती रहेंगी। श्रद्धांजलि। अभी आपने स्वर्गीय पन्नालाल घोष की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रसारित ये विशेष कार्यक्रम सुना। इसे सर्वश्री विश्वनाथ श्रीखंडे और देवेंद्र मुर्देश्वर ने प्रस्तुत किया।